समूचे प्रदेश सहित खरगोन जिले में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, पर इसके बाद भी 6 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों में कोरोना का डर या इसके प्रति जागरूकता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने और कोरोना की नई गाइडलाइन पालन हेतु खरगोन कलेक्टर ने बिना मास्क के घूमने वालों पर अर्थदंड की कार्यवाही के आदेश दिए। पर यह आदेश कोरोना से डराने, समझाने या जागरूक करने से हटकर सिर्फ राजस्व बढ़ाने के काम आ रहा है। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो भले ही अधिकारियों को उचित लगे, क्योंकि उन पर 100 रुपये का चालान प्रतिदिन बनाने का दबाव है, लेकिन जिस तरह से चलते वाहनों को डंडे के जोर पर रोक रहे हैं, जबरन वाहनों की चाबियां निकाल रहे हैं, यह न केवल मोटर वाहन एक्ट के विपरीत है बल्कि आमजन के अधिकारों का भी हनन है। 1 या 2 घंटे की चालानी कार्यवाही में यह साफ नज़र आता है कि यह कार्यवाही कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए नहीं बल्कि राजस्व बढ़ाने के लिए की जा रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में खरगोन निमाड़ में सबसे आगे है, ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयास जारी है, लेकिन यह तरीका उचित नहीं, जिसमें असंवैधानिक भाषा का उपयोग हो, मानवीय अधिकारों का हनन हो, ऐसे में शासन प्रशासन पर सवाल उठना लाजिमी है। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। ये मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन है, आपने चाबी कैसे निकाली? चाबी कैसे निकाली आपने? चाबी कैसे निकाली आप? हाँ, किससे बात कर रहे हैं मैडम? चाबी कैसे निकाल रहे हैं? मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन है, तो राजस्व की ये सिर्फ राजस्व की वसूली चल रही है। कोरोना के प्रति जागरूकता कर रहे हैं आप? कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं? समझ गए? बोलो मैडम, चाबी छोड़ देता भाग जाता है, इधर उधर से निकाल कर ये नियम में नहीं है, ये उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग। उल्लंघन है? कोई उल्लंघन नहीं, ये राजस्व वसूली कर रहे हैं कि कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं? मैडम मैडम जवाब दीजिए, पकड़ दो माइक पकड़। चाबी निकालने का आपको आदेश है क्या? आपको आदेश दिया है क्या किसी ने चाबी निकालने का? आपके पास लिखित में आदेश है क्या? आदेश बताइए, चाबी निकालने का आदेश है क्या आपके पास? ये कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं आप कि राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं? मैडम जवाब दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।